हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी एक लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम लोग आपके साथ पुराने वर्षों के यूपीएससी मेंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसी के तहत वर्ष 2016 के GS4 का डिस्कशन, और उसका भी ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 3 है। शुरुआत के दो पार्ट हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत के 8 सवाल लिए, और ये सब सवाल दोस्तों थ्योरी के बेसिस पे थे। यानी कि इसमें आपसे पूछी गई डेफिनेशन, परिभाषाएं, आपसे कई जगह पे डिफरेंशिएट करवाया गया, आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए, कुछ एलिमेंट्स पूछे गए। लेकिन जो तीसरा पार्ट है ये उनसे अलग है। यहाँ पे हम आपके साथ केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। ये कुछ सिनारियो, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसके आधार पे आपसे यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और इस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए इन सवालों का आपको उत्तर देना होता है। तो आइए हम लोग आज ये वाली चीज़ पे एक निगाह डालते हैं, इसके संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और अगर बात करूँ मैं पीडीएफ की, तो हम लोग अपने इस चैनल पे, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से ही है और जो कि टेलीग्राम पे चलता है, उस पे सारी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ये एकदम फ्री रहेगी। तो आपको बस करना ये है, इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और फिर आप हमारे सभी इनिशिएटिव्स का एक हिस्सा बन सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे हम आपको कोशिश करते हैं बिल्कुल अपडेटेड रखें, क्योंकि YouTube कई बार आपको नोटिफिकेशन देने में देरी करता है। हम लोग आपको यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सभी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप चैनल ज्वाइन करें और हमारे साथ अपडेटेड बने रहें। इसी नोट पे मैं शुरू करता हूँ हमारा आज का लेसन। देखिए, ये है नवा क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए पुराने दो वीडियोज़ में। यहाँ पे मैं 9 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो सभी केस स्टडीज़ को अच्छे से आपको समझाने के लिए बनाई गई है, और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करें इस चीज़ को दर्शाने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। देखिए, ये वाली केस स्टडी पढ़ने से पहले मैं एक आपके मन में इसका चित्र बना देता हूँ। ये एक पूरी कहानी है एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के बारे में। ये एक महिला है जो कि ग्रेजुएट है, और उसके बाद वो जाके नौकरी करती है एक केमिकल फैक्ट्री में। ये जो फैक्ट्री हमने बनाई है ये है केमिकल की फैक्ट्री। फिर उसके बाद ये यहाँ पे नौकरी कर रही है, इसकी जो पगार है वो भी अच्छी है, ये अपनी जॉब से खुश है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या पता पड़ता है इसको, केमिकल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो होता है टॉक्सिक वेस्ट। ये टॉक्सिक वेस्ट को यहीं से गुजर रही एक नदी में प्रवाहित कर देती है। ये जो कंपनी है ये बहुत समय से इस तरीके की प्रैक्टिस कर रही है। इससे होता क्या है, एक तो ये नदी प्रदूषित हो जाती है, और क्या नीचे कई सारे यहाँ पे गांव हैं जहाँ पे बहुत लोग इस नदी के पानी पे डिपेंड होते हैं पीने के लिए, और भी अपनी सभी नीड्स के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। उससे हो क्या रहा है, यहाँ पे बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आपके नज़र में जब ये सब बात आती है तो आप चिंता में आ जाते हैं। तो फिर ये जो लड़की है ये जाती है और अपने कुछ कलीग से बात करती है। तो इसके कलीग्स इसको बोलते हैं, भाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको एकदम चुप रहना है, आपको रहना है चुप, क्योंकि जिस भी आदमी ने इस बारे में आवाज़ उठाई है उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो अगर आपको नौकरी प्यारी है तो आप चुप रहें। अब ये तो लड़की चुप है, लेकिन इसकी अंतरात्मा इसको चुप रहने नहीं दे रही। तो ये सोचती है कि आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ये आपके पास आती है सलाह लेने, तो आप इसको क्या सलाह देंगे, इस पे पूरी ये केस स्टडी टिकी हुई है। अब एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो एक रासायनिक उद्योग में नौकरी करने जाती है। कार्य उसको पसंद है, उसका वेतन भी अच्छा है। कुछ महीनों बाद उसको ये चीज़ की ऑब्जर्वेशन होती है कि गोपनीय तरीके से पास में से बह रही नदी में कुछ आपका वहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट प्रवाहित कर दिया जाता है। ये जो वेस्ट गया है ये नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों पर असर डालता है, ये उनके स्वास्थ्य को ख़राब करता है, उससे संबंधित समस्याएं यहाँ पे बढ़ जाती हैं। इसके चलते ये जो लड़की है ये काफ़ी विचलित हो जाती है और अपने सहकर्मियों से ये बात करती है। सहकर्मी कहते हैं कि भाई तुम चुप रहो, क्योंकि जिसने भी इसका उल्लेख किया है उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। वह अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती, क्योंकि उसको नौकरी पसंद है, वेतन भी अच्छा है, और वो परिवार में एकमात्र जीविका चलाने वाली है, और साथ में उसको अपने बीमार माता पिता और भाई बहनों का भी भरण पोषण करना है। तो वह सोचती है कि भाई जब मेरे वरिष्ठ, मेरे सीनियर्स चुप हैं, तो इसमें ज़बरदस्ती मैं अपनी गर्दन क्यों डालूं।
लेकिन जो उसका अंतर्मन है वो इस बात को मानता नहीं। वो कहता है भाई नदी इतनी प्रदूषित हो रही है, नदी पर निर्भर होने वाले लोग कितनी स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो रहे हैं, तो इसीलिए वो सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर वो सोचती है कि जो उसके मित्रों ने उसको कहा है चुप रहो वो चीज़ ठीक नहीं है, और वो सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वो आपसे परामर्श लेने आती है। अब आपको ये बात करनी है कि भाई चुप रहना उसके नैतिक रूप से सही नहीं है, और इस बात को करने के लिए आपको कुछ तर्क को प्रस्तुत करना है। तो पहला तो ये वाला भाग है, और दूसरी बात आप उसे कौन सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और वो जो दी है वो सलाह क्यों देंगे, ये आपके दो इसमें पॉइंट हो गए। देखिए तो इस केस स्टडी से पहले तो आप जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लें, कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो लड़की है जिसके साथ ये सब घटना घट रही है, उसके बाद उसकी कंपनी है, उसके बाद जो रिवर है जो कि पल्यूट हो रही है, उसके बाद जो विलेजर्स हैं जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, और एक तरफ आप ये भी मान सकते हैं कि उसके कलीग्स यानी कि उसके सहकर्मी, तो ये पांच लोग इसमें हैं इन्वॉल्व्ड। ये देखिए आप, ये है ये है ये है और ये है। अब आपको इन सब पे क्या क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से इनके नैतिक विचारों को बदला जाए, किस तरीके से उनके सामने जो समस्याएं खड़ी हैं उनका समाधान निकाला जाए, इन सब पे आपको बात करनी है। जैसे कि आप सबसे पहले बात कर सकते हैं कि भाई रिवर के केस में क्या है, रिवर पल्यूट हो रही है उसको बचाना ज़रूरी है। विलेजर्स के केस में क्या है कि भाई उनका पूरा जीवन ही रिस्क पे है। उसके अलावा उस लड़की के पॉइंट पे क्या है कि वो चुप तो रह ले लेकिन उसकी अंतरात्मा इस चीज़ की गवाही नहीं दे रही, और एंड में उसके मन में गिल्टी रह जाएगी, तो चुप वो रह नहीं सकती। और अगर वो चुप भी रह जाती है तो आप मान लीजिए कंपनी अभी तो बच जाएगी, लेकिन आने वाले समय में कभी भी अगर सरकार ने निरीक्षण किया और उसने ये पाया कि लगातार ये जो है इस नदी में वेस्ट डिस्पोज कर रही है, तो सरकार इसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, इस पर हैवी फाइन हैवी पेनल्टी लगा सकती है। तो इन सभी मुद्दों को आपको ध्यान में रख के अपना आंसर फ्रेम करना है। आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो ग्रेजुएट है, जो वो लड़की है, वो कुछ बातों को लेके कंफ्यूज है। क्या बातें हैं वो? सबसे पहले वो ये परेशान है कि भाई मैं क्या करूं, मैं अपनी नौकरी बचाऊं, अपने एम्प्लॉयर से लॉयल रहूं, या फिर मैं ज़्यादातर जनता का इंटरेस्ट देखूं, जो भी लोग जो भी विलेजर्स उसे इफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में सोचूं। दूसरे उसके सामने एक और कन्फ्यूजन है कि भाई वो अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि हो सकता है वो ये चीज़ अगर करे तो उसकी नौकरी चली जाए, और नौकरी चली जाएगी तो उसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड करे, या फिर वो जो भी गांव वाले हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में सोचे। और तीसरी बात इस बात से कन्फ्यूज है कि एक केमिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, और वो इतनी अच्छी इंडस्ट्री होके वो अपने छोटी सोच को क्यों दर्शा रही है, जहाँ पे वो नीचे रह रहे डाउन स्ट्रीम पे रह रहे बहुत सारे लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। तो चुप रहना तो भाई उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कितने लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे स्टेक पे है। तो हम लोग क्या सलाह देंगे जिससे वो चुप ना रहे? सबसे पहले गांधी जी के जो 7 सिंह हमने बात की थी उसमें से ये पहला एक सिन हमने लिखा है कि बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज सिन। ये गांधी जी ने कहा था कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो वो एक पाप है। बिजनेस से आपको सिर्फ सोसाइटी से प्रॉफिट नहीं निकालना, बिजनेस से आपको सबकी वेलबींग के बारे में सोचना है, जनहित के बारे में सोचना है, और इसीलिए तो CSR जैसे कॉन्सेप्ट्स आए जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट सोशल सर्विस में डिवोट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं उनको गांधी जी का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, उनके 7 सिंस जो उन्होंने बताए हैं उसका एग्जाम्पल लूंगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आए दिन अलग अलग जगहों पे पानी की कितनी कमी हमने देखी है, तो उस वाली स्थिति में किसी भी वाटर रिजर्व को, किसी वाटर रिसोर्स को अगर आप कंटेमिनेट करेंगे, उसको वहाँ पर प्रदूषित करेंगे, तो उससे संबंधित ना जाने कितने ही लोग बीमार पड़ेंगे, उनके जीवन को भी खतरा है। अब हमने इस सिचुएशन में माना कि भाई नीचे में विलेज रहते हैं, विलेज में कुछ लोग रहते हैं, उनको खतरा है। अब ये सोचिए अगर ये रिवर और आगे जाएगी तो उसमें वो जो कंटेमिनेंट्स हैं वो तो बने रहेंगे, तो जो भी इसका पानी इस्तेमाल करेगा भले जानवर हो या फिर इंसान हो, उस सबकी लाइफ को खतरा है। एक ना एक दिन आने वाले समय में जिस हिसाब से ये चीज़ चल रही है, सरकार इस चीज़ का पता लगा लेगी। जब वो निरीक्षण करेगी और पाएगी कि इस तरीके की हरकतें चल रही हैं, तो सरकार उस पर फाइन लगा सकती है, कंपनी की जो इमेज है
वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, हो सकता है कंपनी का लाइसेंस ले लिया जाए, हो सकता है उसको बंद करवा दिया जाए। ऐसा वॉक्सवैगन के केस में हुआ था जहाँ पे वो पॉल्यूशन एमिट कर रही थी, तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी यहाँ पे लगा दिया। उसके अलावा अगर वो अपने अंतर्मन की आवाज़ को दबा लेती है तो उसके जीवन भर एक गिल्ट का सामना करना पड़ेगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि जाने कितनी जान चली गई होंगी इस चीज़ में, और उन लाइफ्स को बचाया जा सकता था अगर वो उस टाइम एक्शन ले लेती। और अल्टीमेटली क्योंकि वो सही काम करने जा रही है, उससे संबंधित सभी लोग, उसके माता पिता, उसके फैमिली में सब लोग उस पर बहुत गर्व महसूस करेंगे। तो अल्टीमेटली हमने उसको ये परस्यू किया कि भाई तुम चुप मत रहो, तुम अपनी आवाज़ उठाओ, तुम सही काम के लिए आवाज़ उठा रही हो। अब दूसरा पार्ट है, हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम बोलेंगे उसको कि भाई तुम अपने सीनियर्स के पास जाओ और उनको ये सब चीज़ों के बारे में बताओ, तो ये क्या तुम्हारी लॉयल्टी और तुम्हारी डेडिकेशन दिखाएगी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कि तुम अभी ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं होने देना चाहती, तुम डायरेक्टली किसी और सरकारी अथॉरिटी या किसी एनजीओ के पास ना जाके खुद ऑर्गेनाइजेशन में ही ये बात का समाधान निकालना चाहती हो, तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके अलावा ये तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी को भी दिखाएगी और टीम स्पिरिट को भी दिखाएगी। साथ में तुम सीनियर्स को एक प्रोजेक्ट प्रपोज करो, उस प्रोजेक्ट में तुम बताओ कि किस तरीके से वहाँ से जो वेस्ट निकल रहा है टॉक्सिक वाला, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। और अगर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया तो फिर कंपनी में तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे अपने आप को पाओगी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं भी एक्सेप्ट होता है तो तुमको क्या करना चाहिए, विलेजर्स के पास जाना चाहिए, उनको इस बारे में जागरूकता देनी चाहिए कि ये जो नदी से पानी आ रहा है इसमें केमिकल्स हैं, इसमें वेस्ट मटेरियल है, तो ये आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। और विलेजर्स जो हैं एक साथ मिलके, एकजुट होके, एक प्रेशर ग्रुप के जैसे कंपनी पे प्रेशर डाल सकते हैं कि भाई अपने एक्शंस को सुधारें। लेकिन अगर वो विलेजर्स के पास जाएगी तो उसका विक्टिमाइजेशन हो सकता है, ऐसा लगेगा कि वो पीड़ित है, तो इसके बजाय वो जाए सीधा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, वहाँ पे जिसकी भी गलती है तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन होगा और विसल ब्लोअर एक्ट के तहत उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ये जो मैंने आपको एंड में स्टेप्स बताए, ये तो वो स्टेप हैं जब कंपनी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो आप पे एक्शन ले रही है, तो आप बाकी सारी चीज़ें करेंगे। अब इसमें हो ये सकता है कि या तो आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर आपको रिवॉर्ड भी किया जाए। रैन बैक्सी के केस में ये हुआ था, जो भी विसल ब्लोअर था उसको रिवॉर्ड किया गया था क्योंकि वो ऑनेस्ट रहा। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो किसी तरफ भी जा सकती है, लेकिन ज़रूरी है उसको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना और चुप ना बैठना। अब अगली केस स्टडी देखते हैं। पहले मैं इसका एक बैकग्राउंड आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, ये केस स्टडी बात कर रही है कि जो भी लैंड होता है किसी बड़ी परियोजना के लिए, भले ही माइनिंग के लिए लिया गया हो या फिर भले ही डैम कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो या और किसी ऐसी चीज़ के लिया गया हो जो कि कोई बड़ी परियोजना है, तो जनरली ये लैंड कहाँ से एक्वायर होता है, ये लैंड होता है आदिवासी का, या फिर वहाँ पे जो हिल पे रहते हैं उनका, या फिर ग्रामीण लोगों का यानी कि रूरल पॉपुलेशन का। उसके बदले उनको दे दिया जाता है कुछ पैसा यानी कुछ मॉनेटरी टर्म्स। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसका मॉनेटरी टर्म्स में जो पैसा आता है वो टार्डी है, यानी कि बहुत धीमा है, उसको आने में 10, 12, 15 साल लग जाते हैं। उस दौरान ये लोग बड़ी समस्या फेस करते हैं क्योंकि इनसे लैंड छीन ली गई है, एक्वायर कर ली गई है, तो ये हो जाते हैं डिस्प्लेस्ड, इनको उस लैंड से निकाल दिया। अब एक बार डिस्प्लेस्ड हो गए तो भाई इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, साथ में इनके पास स्किल्स भी नहीं है, तो इस वजह से इनको कहीं पे जॉब भी नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली ऑप्शन इनके पास बनता है कि इनको माइग्रेंट लेबर बनना पड़ता है, जो इधर से उधर जाके कैसे ना कैसे करके अपने दिन भर की रोटी के लिए पैसा कमा सकें। और इनके लिए जो परिस्थितियां हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस सब का जो फ़ायदा है देखा जाता है, वो मिलता है सब बिजनेस वालों को। तो ये है केस स्टडी आपके सामने, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी परियोजना के लिए जो भूमि का एक्विजिशन होता है वो होता है या तो आदिवासियों से या पहाड़ियों से या फिर ग्रामीण समुदायों से। तो भाई, लेकिन लीगल प्रोविजंस के अनुसार ये लोग जो डिस्प्लेस किए गए हैं इनको हम लोग कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ मुआवजा दे देते हैं। पर समस्या ये है, ये जो मुआवजा मिलने की पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत टार्डी है। इनको लग जाते हैं पता नहीं कितने साल इसको हासिल करने में। तो इस वजह से ये जो चीज़ मिली है इससे ये अपने परिवार वालों को सस्टेन नहीं कर पाते।
अल्टीमेटली इनको जाना पड़ता है बाजार की तरफ, लेकिन किसी दूसरे धंधे में ये कुशल नहीं है, इनके पास स्किल्स नहीं है, तो इस वजह से इनके पास कुछ काम नहीं बनता और इनको बनना पड़ता है माइग्रेंट लेबर। और इसी के साथ एक और प्रॉब्लम है, उनके जो कल्चर है, उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई जो विकास से हुए लाभ हैं उसका फ़ायदा किसका होता है? उद्योगों का होता है, उद्योगपति को होता है, नगर में रहने वाले व्यक्तियों को होता है। लेकिन विकास की लागत जो है इन गरीब और असहाय लोगों के ऊपर डाल दी जाती है। तो ये जो लागतों और लाभों का अनुचित वितरण है, यानी जो अनएथिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ठीक नहीं है। तो अगर आपको ये कार्य दिया गया है कि आप एक बेहतर पॉलिसी ड्राफ्ट करें जिसमें आप दोनों चीज़ों पर ध्यान दें, एक तो उनके रिहैबिलिटेशन पे और दूसरा उनके कंपनसेशन पे, तो आप किस तरीके से ये ड्राफ्ट करेंगे, आपकी क्या अप्रोच होगी और आपके इस पॉलिसी के क्या क्या मुख्य तत्व होंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये मैंने इंग्लिश में दे दिया, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सीधे मैं आता हूँ आंसर पे। ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के शुरू किया है। देखिए, देश के विकास के लिए भाई और डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, विकासशील प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप टाल नहीं सकते। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीज़न राइट्स को आप नीचे कर दें, सिटीज़न के राइट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो इनके राइट्स के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अगर हम एक कंपनसेशन और रिहाब दोनों पॉलिसीज़ को एक साथ लेके चलें तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। भाई जो भी आपके डेवलपमेंट के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए कंपनीज़ हैं, उनको क्या होगा, उनको ये लैंड मिल जाएगा। और जो यहाँ पे रह रहे हैं ट्राइबल्स, उनके साथ क्या होगा, सबसे पहले तो उनका रिहैबिलिटेशन करवा दिया जाएगा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्लस इनकी लैंड के लिए इनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। लेकिन ये सब टाइमली होना चाहिए, तभी मतलब हो, वरना फिर तो 10-15 साल अगर चलते रहे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स को इसमें डालेंगे। सबसे पहले जस्टिस और फेयरनेस, यानी लोगों को आप ढंग से कंपनसेट करें। ऐसा नहीं कि 100 रुपये की ज़मीन है, आप 10 रुपये में उनको चलता करें, और आप उनको सही से रिहैबिलिटेट करें। उसके बाद इक्विटी, जो कंपनसेशन आप दे रहे हैं उसको बेस करिए किस तरीके के उनको लॉसेस सफ़र करने पड़ रहे हैं। देखिए, उनके पास तो घर था, वो घर चला गया, उसके अलावा वहीं के ज़मीन पे वो पेड़ पौधे फल जो उगाते थे उससे वो अपना पेट भरते थे, तो उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस चले गए, इसके तहत उनका खाना चला गया, उनमें कोई स्किल्स है नहीं तो उनका तो ऑक्यूपेशन भी नहीं रहेगा, बहुत मिनिमम अमाउंट में वेजेस वो कमा पाएंगे और उससे उनकी फैमिली को भी वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आप कितने सारे एंगल्स उनके लिए ख़राब हो रहे हैं, तो इस अनुसार उनको कंपनसेट करें कि ये सभी एंगल्स की काफ़ी हद तक भरपाई हो सके। यहाँ पे आप फाइनेंशियल, सोशल, एनवायरनमेंट सभी चीज़ों को ले, कलेक्टिव गुड पे आप ध्यान दें। अगर विकास हो रहा है तो ये नहीं हो सिर्फ उद्योगपति या फिर शहरी नागरिकों को ही इसके फ़ायदे मिले, जो विकास है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। गरीबों को, ग्रामीण को, आदिवासियों को, सभी को उसके लाभ मिलने चाहिए। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ जो कंपनसेशन और जो रिहैब होना चाहिए उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया कंपनसेशन, तो भाई एक बार कंपनसेशन देने से काम नहीं बनेगा। ये नहीं कि एक बार आपने दे दिए 100 रुपये कि चलो हो गया तुम्हारे लैंड का, अब तुम अपनी मर्जी जो करो देखा जाएगा, ये नहीं। आप उनको उस प्रोजेक्ट में कुछ शेयर दें, कुछ इक्विटी दें, जिससे जीवन भर के लिए जो उन्होंने आपको अपना सब कुछ दे दिया है तो उनके पास कुछ सिक्योरिटी हो सके, ये उनको सिक्योर कर देगा। इस तरीके के मॉडल हमने जापान और ब्राज़ील में देखे हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पे आइडियल एग्जाम्पल्स की तरह काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है तो उनको उसी बराबर लैंड किसी और एरिया में दे देना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो भी अफेक्टेड पीपल हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग पे ध्यान दें, जिससे कि अगर वो कोई और एम्प्लॉयमेंट कहीं और जाना चाहें तो वो आराम से वहाँ पर जा सकें और वहाँ की कंडीशंस उनको सूट कर सकें। अब बात करते हैं रिहाब पे, कि आपको उनको रिहाब करना है तो कैसे। सबसे पहले तो जो नियरेस्ट लोकेशन हो, सबसे पास हो, वहीं पे आप करिए, और वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हो, खाने की, पीने की, हाउसिंग, स्कूल, हेल्थ केयर, रिक्रिएशनल, सभी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जिस तरीके से वो पहले रह रहे थे वो रहन सहन उनका मेंटेन होना चाहिए। जहाँ तक हो सके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को सबसे पास इलाके में लोकेट करें, और जो लोकेशन हो वो अभी वाली लोकेशन से कुछ हद तक मिलती जुलती हो,
उनकी जो रिलीजियस नीड्स हैं, उनकी जो कल्चरल नीड्स हैं, वो जो एरिया है वो उन सबको भी पूरा करे। अगर भाई आप आदिवासियों को माने तो कई सारे आदिवासी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो अगर आप उनको किसी कॉन्क्रीट जगह पे वापस भेज देंगे जहाँ पे पेड़ पौधे मुश्किल से एक या दो हैं, तो आपने तो उनसे उनका भगवान छीन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका रिलीजन, उनका कल्चर, दोनों चीज़ें देख के आपको उनको रिहाब करना चाहिए। आज़ादी से अब तक बहुत सारा ऐसा लैंड हुआ है जिसमें, यहाँ पे 60% मैंने फिगर दिया है, जिसको बिना कंपनसेशन के लोगों ने ले लिया है। और जो बेचारे आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे तैसे अपनी फैमिली को पाल रहे हैं और अपने कल्चर को भी पूरी तरह खो चुके हैं। तो ऐसा आने वाले समय में ना हो, उसके लिए हमको एक फेयर कंपनसेशन और रिहाब पॉलिसी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का जिक्र कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है हैप्पीनेस फॉर ऑल, जितने लोगों की हैप्पीनेस आ सके, मतलब मैक्सिमम उतनों की हैप्पीनेस आप लाएं। तो यहाँ पे आप इस तरीके के प्रिंसिपल फॉलो करें तो आप कुछ हद तक एथिकल काम कर पाएंगे। फिर हम अगले केस स्टडी को देखते हैं। अब अगली वाली केस स्टडी देखते हैं। देखिए, इसका पहले मैं एक बैकग्राउंड आपके पास तैयार कर देता हूँ। आप जो हैं इसमें, आप एक ऑफिसर हैं जो कि इंचार्ज है वहाँ पे सोशल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने का, और सोशल स्कीम्स रिलेटेड टू डेस्टिट्यूट वेमेन, यानी कि ऐसी महिलाएं जो बूढ़ी हैं, जो निराश्रय हैं, उनके लिए कोई सोशल स्कीम्स अगर चलानी है तो आप उसके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हैं आप। तो भाई इस दौरान होता क्या है, एक बूढ़ी बिना पढ़ी लिखी महिला जो है वो आपके पास आती है और आपसे कहती है भाई मुझे भी सोशल स्कीम्स के लाभ चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं तो उसके पास एक कमी है कि उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पे एलिजिबल प्रूव नहीं कर पा रही। पर जब आप ही उसकी पूरी बात सुनते हैं, उसकी कंडीशन समझते हैं, तो आपके मन में ये तो बात आ गई कि भाई इसको ज़रूरत है, ये नीडी है। फिर उसके बाद जब आपने अच्छी अपनी इंक्वायरीज की, तब आपको पता पड़ा कि सही में ये निराश्रय है और बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन में ये रहती है। अब आता है आपके सामने धर्म संकट। अगर भाई आप इसको अलाउ कर देते हैं कि तुम रह लो और तुम इस सोशल स्कीम के सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा लो, तो समस्या ये है कि आप रूल ऑफ लॉ को भंग कर रहे हैं। जो लॉ कहता है आप उसके अनुसार नहीं चल रहे। लॉ कहता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अपने आप को साबित कर पाए वो सोशल स्कीम्स के बेनिफिट ले, जो नहीं साबित कर पा रहा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथ में आपके एक और वर्सेस की कंडीशन है जहाँ पे आप इन ह्यूमैनिटी को भड़का देंगे अगर आपने उसको सोशल स्कीम्स के बेनिफिट नहीं दिए। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि भाई हम लोग इन ह्यूमन हो जाएं, जब मुझे दिख रहा है, मुझे सब पता है कि ये वाली महिला को ज़रूरत है अभी, और फिर भी मैं उसको डॉक्यूमेंट लाने को या कुछ करने को कहूँ, तो फिर मेरे पार्ट पे कितना गलत हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको कह दूँ कि तुम भाई सोशल स्कीम्स के बेनिफिट रख लो, तो मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करूँगा, अपनी ड्यूटी से मैं अपने लॉ को भंग कर दूंगा, तो वो भी अनएथिकल हो जाएगा। तो ये डायलेमा आपके सामने मौजूद है। आपको इसके अनुसार दो बातें कही गई हैं, उन बारे में बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट, क्या आप इस धर्म संकट से निपटने के लिए कोई तार्किक तरीका सोच सकते हैं, तो वो बताइए, और इसके लिए अपने कारण बतलाइए। जो आपने तार्किक तरीका दिया है, इसके लिए कुछ कारण बताएं। तो आइए एक बार फटाफट से ये चीज़ पढ़ लेते हैं। कल्पना करें कि आप एक समाज सेवा योजना के कार्य प्रभारी हैं। आप करते क्या हैं, आप बूढ़ी और निराश्रय महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। एक बूढ़ी महिला आपके पास आती है, वो आपसे पूछती है कि भाई मुझे लाभ प्राप्त करना है, क्या तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कागजात की कमी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन उससे मिलने और उसको सुनने पर आप ये महसूस कर लेते हैं कि इसको सही में सहायता की ज़रूरत है। उसके बाद आप अच्छे से जांच करते हैं और उसमें ये सामने आता है कि ये सही में दयनीय दशा में है और ये निराश्रित जीवन व्यतीत कर रही है। आप आ गए अब धर्म संकट में कि अगर आप इसकी मदद कर देते हैं बिना कागजात के, तो भाई आप नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप सहायता के लिए मना कर देते हैं तो फिर आप इनह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं। तो अब आपको ये दोनों बातों में से कोई एक बात पकड़नी है। इंग्लिश में है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, शुरुआत की है मैंने छोटे से इंट्रोडक्शन से। एक पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसके मन में न्याय करने की भावना और फेयरनेस होनी चाहिए, और उसके अलावा उसमें कुछ और क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जो है एम्पैथी
और कंपैशन। एम्पैथी और कंपैशन का मतलब ये है कि जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, अगर वो किसी चीज़ से पीड़ित है तो आप उसके पीड़ा को, उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं और उसी के अनुसार आप सोच रहे हैं। तो इसी के तहत, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, तो अगर लीगली नहीं तो कम से कम एथिकली तो आपको उसकी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके मन में डर भी है कि भाई डॉक्यूमेंट है नहीं इसके पास, अगर मैं इसको बेनिफिट दे दूँ स्कीम से जुड़े हुए तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का वायलेशन करूँगा, और ये चीज़ एक पार्शियलिटी की मेरे अंदर भावना जगा देगा, और कोई दूसरा अगर इसको देखेगा तो इसको करप्ट प्रैक्टिस भी मांग सकता है कि बिना डॉक्यूमेंट के कैसे अलाउ कर दिया, कहीं पैसे तो नहीं खाए। तो इसको एक करप्ट प्रैक्टिस के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर कभी आने वाले समय में इंक्वायरी हुई तो ऑफिसर की पोजीशन जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऑफिसर को करना क्या चाहिए अपनी डायलेमा को ओवरकम करने के लिए? अगर ऑफिसर ने अच्छे से वेरीफाई कर लिया है कि वुमेन सही बोल रही है, तो उसको कह दीजिए कि भाई ये ऑफिस है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाएंगे, और वो आप डॉक्यूमेंट मेरे को ला के दीजिए, मैं आपको तुरंत सभी बेनिफिट्स रिलीज़ कर दूंगा। ये जो है ये वायलेशन भी नहीं होगा आपके रूल्स का, क्योंकि इसके तहत आप बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे और अपने सभी रूल्स को आप फॉलो करेंगे, और साथ साथ आप उसको और भी जो दूसरी स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत वो एलिजिबल हो सकती है, जैसे कि अंत्योदय स्कीम, पेंशन स्कीम, उसके बारे में बताएं और उसको ये बोल दें कि भाई आप एक बार डॉक्यूमेंट ले आएँ, मैं आपको इन सभी से जुड़ी हुई चीज़ें भी बता देता हूँ और उन सभी से जुड़े हुए लाभ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा एक कैंपेन शुरू की जा सकती है जिसमें आप बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करें, जिससे ये डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट का चक्कर काफ़ी हद तक कम किया जा सके और आपके पास एक एक्चुअल डेटा मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप इस तरीके कैंपेन में घर घर जाएंगे और घर घर जाके उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके लिए आप NGOs की मदद ले सकते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट उसको तुरंत प्रभाव पर अवेलेबल नहीं भी होते तो आप NGO की मदद यहाँ पर लें और NGOs से कहें कि कुछ समय वो महिला के ध्यान रखे और वो हेल्प करे महिला की डॉक्यूमेंट दिलवाने में। और अगर ये NGOs भी अवेलेबल नहीं है तो एक अच्छे फेथ में अपने कलीग्स की प्रेजेंस में, जिससे कि कल को कोई आप पे करप्शन का आरोप ना लगा पाए, कई लोगों की, कई कलीग की प्रेजेंस में आप रिकमेंड कर दे, ठीक है वुमेन को मैं सभी बेनिफिट्स दे देता हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट्स मेरे को जल्दी से जल्दी चाहिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी ड्यूटी भी फुलफिल कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स के लिए भी मांग कर रहे हैं और आप महिला को भी स्कीम्स के बेनिफिट देने के लिए तत्पर हैं। तो आप क्योंकि अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे डियोन्टोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एथिक्स को अपनाया और उसके साथ आपने यहाँ पे ऑनेस्टी की झलक दी। आप महिला की मदद करने की सोच रहे हैं, इसीलिए आपने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अपनाया, जहाँ पे आप मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, और साथ में आपने अल्ट्रुइज्म भी अपनाया। अल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है कि मैं ज़्यादातर लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचूं, अगर उसके तहत मेरी खुद की पोजीशन खतरे में पड़ रही हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे सामने वालों के बारे में मैं पहले सोचूं। तो अल्ट्रुइज्म भी आप यहाँ पे अपना रहे हैं। तो ये 3-4 कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर अपने आप वेल बैलेंस्ड और बहुत अच्छे से एनरिच्ड हो जाएगा। अब जो हमने बातें की हैं उसके रीजंस देने हैं, क्योंकि जो सेकंड पार्ट था उसमें था कि आप रीजंस बताएं जो आपने बातें कही हैं। सबसे पहले आपको पता है पब्लिक सर्वेंट को जस्टिस करना चाहिए, उसको अपने पार्ट पे फेयरनेस बना के रखनी चाहिए और साथ ही साथ उसको एम्पथाइज भी करना चाहिए और अल्टीमेटली एक कंपैशन वाली भावना भी रखनी चाहिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनके दर्द को आप महसूस करें और फिर उस रिगार्डिंग आप उनके प्रति पॉलिसी बनाएं। देखिए अल्टीमेटली एक डेमोक्रेसी में जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कोई वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए तो है, सबका हित करने के लिए तो है, और रूल्स और रेगुलेशन उन्हीं के हित के लिए तो बनाए गए हैं। तो ये बाधक नहीं बनने चाहिए, ये लोगों को आगे बढ़ाने में, उनके वेलफेयर में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो इसीलिए जब ये बाधक बन जाएं तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। अब चलते हैं अगली केस स्टडी के ऊपर। ये वाली केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाली जो है ये इशू बेस्ड है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का इशू उठाया गया है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपना आंसर तैयार करना है। मैं एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की आपके लिए बना देता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले इस पॉइंट पे तो हैं आप, यानी कि यहाँ पे हैं आप, अभी अभी आपकी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुई है, आपके ऊपर एक हैं आपके बॉस जो उसके डायरेक्टर हैं,
आप उनके असिस्टेंट के तौर पे आए हैं, आप जो है काम काफ़ी अच्छे से सीखना चाहते हैं, और अच्छी बात यह है कि आपके जो बॉस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और वो आपको अच्छे से काम सिखाना भी चाहते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और साथ में वो बहुत दयालु हैं। वो लगातार आपके साथ अच्छा काम कर रहे हैं और धीरे धीरे क्योंकि आप काम सीख रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक दिन उनकी तबीयत ख़राब है और वो आपको अपने घर बुलाते हैं किसी काम के सिलसिले में। आप गेट की बेल बजाने ही वाले होते हैं तब आपको घर के अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें एक महिला के चिल्लाने और रोने की है। जब आप इस मुद्दे की तह तक जाते हैं तब आपको पता पड़ता है जो बॉस की वाइफ है वो यहाँ पे पीड़ित हैं। जो बॉस हैं वो इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं, और ये जो है ये ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और साथ में ये ज़्यादा जागरूक भी नहीं है। ये है पूरा मुद्दा। अब आप इस केस में क्या करेंगे? तो अब एक बार हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए, आप अभी अभी एक सरकारी कार्यालय में नियुक्त हुए हैं। आप एक युवा, एक उच्चाकांक्षी और एक निष्कपट कर्मचारी हैं। आपने अभी अभी पद ग्रहण किया है, आपको सीखने की काफ़ी ज़्यादा ललक है, और अच्छी बात यह है कि जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं वो भी बहुत दयालु हैं और वो आपको कार्य करने के लिए और ज़्यादा इनक्रेज करते हैं। वो बहुत बुद्धिमान हैं, उनको जानकारी है बहुत चीज़ों की और उनको बहुत ज्ञान है। अल्टीमेटली अगर मैं संक्षेप में बोलूँ तो आप अपने बॉस का बहुत सम्मान करते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक हैं। धीरे धीरे आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करने लगे। एक दिन उनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया तो उन्होंने कुछ कार्य के चलते आपको अपने घर बुलाया है। आप घर पहुंचे, आपने घंटी बजाने को हाथ बढ़ाया तभी अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और मारपीट की आवाज़ आने लगी। आपने कुछ समय प्रतीक्षा किया, फिर उसके बाद आप घर में प्रवेश किए। बॉस ने आपका अभिनंदन किया, आपको कार्य के बारे में बताया, लेकिन आपको लगातार एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उससे आप हो रहे हैं व्याकुल। अंत में आपने अपने बॉस से पूछ डाला कि भैया हुआ क्या है, तो उनका जो जवाब था उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अगले दिन आप अपने कार्यालय में गए और आपने इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की तो आपको पता चला कि जो बॉस है उनका घर में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। वो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं वो। उनकी पत्नी एक तो अच्छे शिक्षित नहीं है और अपने पति के कंपैरिजन में वो एक सरल महिला हैं। अब आप देखते हैं कि भाई आपके जो बॉस हैं वो कार्यालय में तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन घरेलू हिंसा में वो संलिप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये विकल्प रखे गए हैं, आपको इन सबको पढ़ना है और सबके परिणामों पर विश्लेषण करना है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ये व्यक्तिगत मामला है। उसके अलावा जो भी आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी लगे, सही अथॉरिटी लिखे, उसके सामने ये मामला लेके जाएं और आपकी खुद की क्या इनोवेटिव, क्या क्रिएटिव यहाँ पे अप्रोच हो सकती है उसके बारे में लिखें। तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स में आपको डील करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, यानी कि आप सोचना ही छोड़ दें इससे होगा क्या। अगर आप इग्नोरेंट हो जाएंगे तो बॉस से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर आप हो सकता है उस चीज़ में कुछ करें, कुछ काम आगे करें, तो हो सकता है आपके बॉस से रिलेशन ख़राब होएं। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो आपके बॉस से रिलेशन अच्छे रहेंगे और आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करते रहेंगे, अच्छा वहाँ से सीखते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव बातें पकड़ें तो इसके कुछ सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप चुप रहे किसी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो ये समझ लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस तो क्राइम है, और अगर कोई अपराध हो रहा है और आप अपराध को चुपचाप होते हुए देख रहे हैं, उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप भी उसमें भागीदार हैं और ये आपके पार्ट पे अनएथिकल है। आने वाली फ्यूचर जनरेशन पे ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। उनके जो बच्चे हैं वो इस बिहेवियर को गलत तरीके से ले सकते हैं, उनके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक सिविल सर्वेंट जो है उसकी ड्यूटी होती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ वो ध्यान दे, क्योंकि वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे तो अपनी ड्यूटी की पालना नहीं कर रहे। आज सरकार जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज बनाने को तत्पर है, जेंडर बजटिंग कर रहे हैं हम, और उसमें अगर ऐसी कोई चीज़ होती है और साथ में उनकी वाइफ जो है वो अनअवेयर भी हैं, तो ऐसे में किसी को उनकी मदद के लिए उतरना चाहिए। तो अगर आप नहीं उतरेंगे तो आपके पार्ट पे बहुत गलत होगा। दूसरा भाग अब हम लेते हैं। अगर आपने मुद्दा जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने रख दिया तो क्या होगा? देखिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। अथॉरिटी जो है वो अपने आप इन्वेस्टिगेशन करेंगी,
खुद अपने लेवल पे मुद्दा संभालेंगी, ये जो है लीगल सपोर्ट दे पाएगा विक्टिम को, और आने वाले समय में अगर उनको कोई भी एक्शन लेना हुआ तो उनके पीछे कोई ना कोई बैकिंग होगी, और इससे क्या होगा, विक्टिम का रिहैबिलिटेशन भी हो पाएगा। लेकिन दिक्कत है कि आपकी जो रिलेशन है आपके बॉस के साथ वो ख़राब हो सकती है। दूसरी बात, वो काफ़ी सीनियर हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा वो डायरेक्टर हैं, तो वो इस इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपकी खुद की रेपुटेशन आपके डिपार्टमेंट में सफ़र करेगी, और ये मुद्दा बाहर आएगा इतना ज़्यादा तो आपके साथ काम करने वाले फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनका भी मोराल डाउन होगा। अब बात करते हैं हमारी खुद की अप्रोच की, आपकी क्या इनोवेटिव अप्रोच रहेगी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आप अपने बॉस को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी ज़रूरत है कि आप या तो किसी काउंसलर की मदद लें, जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं, अगर आपके बीच में फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही तो फिर आप अपनी वाइफ को तलाक दें। कम से कम आप डोमेस्टिक वायलेंस में तो ना शामिल हो, क्योंकि आप खुद एक पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर ये सब नहीं हुआ तो हम लोग फैमिली मेम्बर से कॉन्टैक्ट करेंगे, जो आपके बॉस है उनकी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये सारा मुद्दा आप उनको एक्सप्लेन करेंगे एक चिट्ठी के ज़रिए। लेकिन अपनी आइडेंटिटी आप छुपा के रखेंगे, क्योंकि अगर अपनी आइडेंटिटी आप दिखा देंगे तो वही सारी बातें हो जाएंगी, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। आप इसमें उनको बोलेंगे कि कोई इस तरीके का सोल्यूशन निकाला जाए, या तो डोमेस्टिक वायलेंस बंद कराई जाए या फिर डिवोर्स के लिए आगे बढ़ा जाए। इससे होगा क्या, वो महिला को एक डिग्निफाइड लाइफ मिल पाएगी, और ये सारा मुद्दा उसके फैमिली मेम्बर्स या फिर उसके पेरेंट्स के सामने आ पाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें एनजीओस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और बाद में महिला कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकती है, वो अपना खुद का लाइवलीहुड कमा सकती है और एक सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकती है बाकी महिलाओं के लिए। तो ये एक हमारी अप्रोच हो सकती है, आप इसमें और भी पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैंने एक आइडियल और एक मॉडल अप्रोच आपके सामने रख दी है, अपने हिसाब से इसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं। फिर अगले वाले केस स्टडी पे चलते हैं हम लोग। अब ये वाली केस स्टडी से डिस्कशन से पहले हम लोग एक बार इसका बैकग्राउंड बना लेते हैं। देखिए, कह रही है केस स्टडी की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC, आप समझ लीजिए। ये जो कंपनी है ये बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा इसका शेयर होल्डर बेस है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, सब काम बड़ा अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट कर रही है। अब ये सोचती है कि मेरे को एक्सपैंड होना है, तो एक्सपैंड होने के लिए ये एक एरिया चुनती है जिसका नाम है विकासपुरी, और ये जो एरिया है ये अभी अंडर डेवलप्ड है, तो ये अंडर डेवलप्ड एरिया चुन लेती है। अब यहाँ पे जो ये प्लांट लगाएगी, ये जो प्लांट है ये एनर्जी एफिशिएंट प्लांट लगाने का सोच रही है, जो करीब 20% इसकी कॉस्ट बचा पाए, और साथ में सरकार की पॉलिसीज़ है अंडर डेवलप्ड रीजन को डेवलप करना, उस पॉलिसी पे भी ये खरा उतरेगी। सरकार ने पहले ही 5 वर्ष के लिए करों में छूट दे रखी है, यानी कि टैक्स हॉलीडे दे रखा है उन कंपनी को जो किसी न किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में निवेश करती हैं, तो इसके तहत भी इसको टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा 5 साल का। हालांकि जो ये कंपनी यहाँ पे स्थापित होगी तो यहाँ के रेजिडेंट जो है, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए कुछ समस्या पैदा कर सकती है। तो क्या प्रॉब्लम्स होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहले तो जो वहाँ पे शांति वाला माहौल चल रहा था, जो पीस चल रही थी वहाँ पे, उसके अंदर ये एक अव्यवस्था पैदा कर सकती है। दूसरी बात, इस कंपनी के आ जाने से वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगी। भाई अभी तक ये एरिया अंडर डेवलप्ड था तो इसमें सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था, लेकिन एक बार यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। यहाँ पे अब होगा इसके बाद माइग्रेशन, क्योंकि लोग यहाँ पे नौकरी की तलाश में आएंगे, जिससे वहाँ का जो सोशल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब भाई कंपनी ने भांप लिया कि लोग परेशान हैं, इसीलिए कंपनी क्या करती है, हर एक आदमी को एजुकेट करने के लिए सोचती है। वो लोगों को एक साथ बुलाती है और ये बताती है कि भाई हम लोग CSR एक्टिविटी भी तो चलाते हैं, इस CSR एक्टिविटी से जो आप ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम सबका समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन इन सबसे ये जो लोग हैं इनको समझ में नहीं आता और ये फाइनली जुडिशरी के पास जाने का सोचते हैं, क्योंकि सरकार के पास जाके कोई भी रिजल्ट्स इनके हाथ में नहीं आए। तो ये है कंप्लीट केस स्टडी, एक बार आप इसको पढ़ें तो आप को ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये एंड में दो बातें कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, उन इश्यूज़ का पता लगाइए, और उसके बाद
आप किस तरीके से दोनों चीज़ें चला पाएंगे, पहली बात तो कंपनी अपने गोल को मीट कर पाए और वहाँ पे जो निवासी हैं उनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी अच्छे से एड्रेस कर पाएँ, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए। दो भाग हैं क्वेश्चन के, तो ये देखिए, सबसे पहले तो क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो चेंज को अवॉइड करते हैं, कोई भी आप पे चेंज आएगा उसको रेजिस्ट करेंगे। इसी वजह से जब भी कोई अंडर डेवलप्ड एरिया वहाँ पे डेवलप होने की तरफ बढ़ेगा तो शुरुआत में सबको बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। एक और दूसरी प्रॉब्लम है टॉप डाउन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऊपर से बन गया कि हम लोग इस एरिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे। भाई आपने उस एरिया के लोगों के पार्टिसिपेशन पे तो ध्यान दिया ही नहीं, वो पार्टिसिपेशन पे ध्यान दीजिए तभी आप अच्छे से वहाँ पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उन लोगों को एक सेंस ऑफ ओनरशिप आनी चाहिए, तो आपको करनी चाहिए बॉटम अप अप्रोच, लेकिन आप जा रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच में। तीसरी बात, ये जो ABC लिमिटेड है ये इतनी बड़ी कंपनी है, हमने शुरुआत में बात की, और जनरली ये माना जाता है कि जो भी बड़ी कंपनी होती है वो कभी भी लोकल कल्चर को प्रिजर्व नहीं रखने देती, वो अपने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से चलती हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखती हैं जो है उनका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पे एक कंपनी खुली, अब इसकी राइवल कंपनी भी आ जाए, राइवल कंपनी खुल जाए, और अगर नहीं भी खुले तो राइवल कंपनीज क्या करें, इस तरीके के प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़काएं जिससे ये कंपनी यहाँ पे ना खुल पाए और जो ये एक्सपेंशन की भावना लेके चल रही है वो भी वहीं की वहीं थम जाए। तो इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको लोगों के मन का डर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? विकासपुरी में जो एक तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट को गलत नहीं मानते, उनको इकट्ठा करें और उनके थ्रू सबको मैसेज दें। जो उनके मन में डर है कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, उसके लिए उनके डर को शांत करें। उनको बताएं, भैया आपकी अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग पे देख रहे हैं तो ये भी तो देखिए कितनी ज़्यादा आपके एरिया में नौकरियां जनरेट होंगी। अगर आप वहाँ पे आके नौकरी करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, अभी वो एरिया अंडर डेवलप्ड है तो आपको कोई इनकम नहीं मिलती। आपका वहाँ पे एसेट है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर आपका मकान है आज वो 10 रुपये का है तो आने वाले समय में क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो वही मकान आपको 100 रुपये का हो जाएगा, 10 गुना इसकी कीमत बढ़ गई। भाई जो माइग्रेंट्स आएंगे सिर्फ वो ख़राब ही तो नहीं, अच्छे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टीचर्स भी आएंगे, हो सकता है प्रोफेशनल्स आएँ, हो सकता है साइंटिस्ट आएँ, तो वो सब इस एरिया के विकास में काम करेंगे, यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है उसके रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। उनको इस बात का आश्वासन दिलाइए कि आपका कल्चर और आपका सोशल प्रिजर्व रहेगा, उनको हम किसी तरीके से भी डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। उनको ये बात कहिए, चलिए एक बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय हो रहे हैं उनमें से कुछ परसेंटेज हम आपका रख लेंगे। मान लीजिए 10% रख लिया, अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग आपके विकासपुरी से 100% लेंगे, उसके अलावा भी आप यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन 10 की सीट तो रिजर्व्ड है। और उसके बाद आप लोकल लीडर्स को यहाँ पे अपने साथ में इकट्ठा करें, उनको परसुएड करें और वो आगे जाके लोगों के प्रति जागरूकता की भावना फैला सकें और उनको सेंसिटाइज कर सकें कि भाई ये जो है इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ख़राब नहीं है, ये हमारे ही विकास की बात कर रहे हैं। उसके अलावा विकासपुरी के लोकल लीडर्स को आप लें, क्योंकि लोकल लीडर्स की बात सब लोग सुनते हैं, उनको चाहे तो अपने फुल टाइम मेंबर बना दें, जो आपका CSR बोर्ड चल रहा है उसमें, और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए आप खुद जांच पड़ताल कर लीजिए, अगर आपको कहीं लगे कि इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है तो हम बंद कर देंगे प्रोजेक्ट, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट तो करिए। इसमें करना क्या होगा, आपके वहाँ के लोगों का दिल जीतना होगा, अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो फिर कोई चिंता नहीं है, उनमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप जनरेट करनी होगी। सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई तो उनको लगेगा ये हमारा प्रोजेक्ट है, अगर हमारे लैंड पे बन रहा है तो इसमें हम भी कुछ हद तक भागीदार हैं। आपको बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए और इस सब के तहत आप इन लोगों को शांत कर पाएंगे और डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ा पाएंगे। फिर हम देखते हैं हमारी आज की आखिरी केस स्टडी। दोस्तों आइए ये वाली देखते हैं, इसमें ये केस स्टडी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधी बात है। कह रहा है सरस्वती नामक एक युवती है जो कि USA में काम करती थी एज IT प्रोफेशनल, लेकिन उसके अंदर राष्ट्र भावना जाग गई जिसकी वजह से वो वापस हमारे भारत देश में आ गई है। उसने कुछ अपने जैसे सोच वाले लोग ढूंढे और एक NGO का निर्माण किया। इस NGO के तहत अब वो चाह रही है एक स्कूल बनाया जाए गरीब बच्चों के लिए। इस स्कूल का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देगी और वो भी कम दाम पे। उसको कुछ समय बाद रियलाइज़ होता है कि भाई उसको तो बहुत जगह से, बहुत सरकारी विभागों से परमिशन लेने की ज़रूरत है और ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी अस्पष्ट और जटिल है।
इसी सब के चलते वो कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, बहुत डिलेज होते हैं। जो वहाँ पे अधिकारी है उनकी कठोर प्रवृत्ति है और लगातार वो उनको घूस लेने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों के चलते सरस्वती को और उसके जैसे और लोगों को सोशल सर्विसेज करने का मौका नहीं मिलता। वो करना चाहते हैं लेकिन यहाँ के जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, जो इतनी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स हैं, उसको देख के सब अपना मन बदल लेते हैं। भाई बात यह है कि सामाजिक कार्यों में सरकार की अनुमति की तो ज़रूरत है, उसका नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये जो नियंत्रण हो ये ब्राइब कल्चर में ना हो, ये करप्ट ना हो। तो आप क्या क्या यहाँ पे अपने खुद के एडवाइस सजेस्ट करेंगे जिससे कि नियंत्रण भी सही से रखा जा सके और जो एनजीओज हैं जो सही काम कर रहे हैं उनके प्रयासों में बाधा ना आए? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले सरस्वती, उसका डेडिकेशन है कि उसको जनता के हित के लिए कुछ करना है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इमोरलिटीज़ हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, जिसके तहत क्या हो रहा है वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रही है। ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो अब करना क्या चाहिए? उसको और बाकी सभी एनजीओ को मिलके सरकार पे जोर देना चाहिए कि अपने रूल्स को सिंपल करो। उसके बाद उसको कहना चाहिए कि जो ब्राइब के इंसिडेंट्स हैं उसके खिलाफ आपको ज़ीरो टॉलरेंस अडॉप्ट करनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को उसको लाइट में लाना चाहिए। एक रिटन कंप्लेन उसको जमा करनी चाहिए जो भी अथॉरिटी उससे घूस मांग रही थी। अगर उसको इन सब चीज़ों का भी पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो यहाँ पे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे और मीडिया के तहत ये मुद्दा जो है नेशनल लेवल पे उठाए। हालांकि ये सब तो जो मैं बता रहा हूँ ये आपके शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, अभी हेल्प कर देंगे लेकिन लंबे समय में हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको एक पॉलिसी लेवल पे ही चेंज की ज़रूरत है। अब एनजीओ के रोल पे बात करूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनजीओ रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कई एनजीओ, जैसे यहाँ पे दो तीन नए नाम लिखे हैं, प्रथम सुलभ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये लोग तो सरकार की मदद कर रहे हैं विकास कार्य में और सरकार की पॉलिसी के ये इवेल्युएटर हैं, यानी कि उसको देखते हैं सही है या गलत है। गलत है तो सरकार को बोलते हैं कि प्लीज़ ये सब चीज़ें सही करें। लेकिन वहीं पे आईबी की एक रिपोर्ट आई थी, वो कहती है, 2014 में जो रिपोर्ट आई थी कहती है कई सारे एनजीओ हैं जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस में बाधा का काम कर रहे हैं। इसमें आईबी ने बोला था कि भाई ग्रीन पीस जैसे एनजीओ जो हैं उनके पास फंडिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा ओपेक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसी के तहत ये हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें बाधा बन रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी तो है भाई रेगुलेट करना इस सेक्टर को और सरकार को एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो अब कैसे इसमें रेगुलेटर का रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो वन स्टॉप सेंटर्स बनाइए या सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाइए जिससे कि कोई डिलेज ना हो। एक टाइम फ्रेम सेट कर दीजिए, इसके तहत सभी आपको फाइल्स पास करनी है, सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। जैसे कि बैंक में ओम्बड्समैन होते हैं उसी तरीके से कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप फॉल्ट पे देख सके किसका क्या फॉल्ट है। डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि एक्सेसिबिलिटी क्विक हो पाए, कॉस्ट में कमी आ पाए और ट्रांसपेरेंसी हो पाए, इससे अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी। और डिजिटल जैसे ही आ जाएगा तो आप सभी फंड पे अच्छे से नज़र रख पाएंगे, उसके तहत फिर आप किसी भी चीज़ पे तह तक जाके उसकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपकी आंखों से छुपेगी नहीं। एनजीओज में तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और साथ में कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोड ऑफ एथिक्स जैसे कि सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था वो भी लाने की ज़रूरत है। एनजीओज आरटीआई रिव्यू के अंदर आ जाएं तो इससे सिटीज़न का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये सब मेजर्स आपने अपनी ट्रू स्पिरिट में यहाँ पे लगा दिए तो ये समझ लीजिए कि ये सेक्टर का भी विकास हो पाएगा और सरकार और एनजीओ दोनों ही बराबरी का रोल प्ले कर पाएंगे। ये इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, आपने इसको अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी केस स्टडीज़ ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करना आ गया होगा। आप इतनी देर मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।